चल रही है, पूरी की पूरी बैंड बज रही है। इतना लेट हो गया नहाने में, 3:30 बजने वाले हैं और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। देख लो मेरा टाइमिंग कितना बेकार है, लेट लेट नहाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। आज फिर से हमने आम चला लिया है और देखो इतनी मोटी मोटी लकड़, सारे गत्ते कूड़ा कबाड़ा सब इसी में डाल रहे हैं। यस यस, क्या और बाकी पेड़ों वाली लकड़ का है थोड़ी, देखो और भी सारी लकड़ वहाँ पे पड़ी हुई है, इसने पूरा स्टॉक इकट्ठा कर रखा है। और अभी हमारा खाना पीना भी चल रहा है। क्या चाहती है तू, हट जा यहाँ से। देखो हट, खाना खाने दे दीदी को। देखो जगह ही नहीं है यहाँ पे, तू जगह वहाँ पे लगा ना, थोड़ा सा उधर लगा, तू बाहर आ नहीं सकती। बाबू बुझ गई है तो बुझ गई है, सब जलेगी, आग भी बुझा दी तूने। ये जो तूने इतनी मोटी लकड़ डाली है ना, ये नहीं जलेगी इसमें, तुझसे बात कर, देख ले ये नहीं जलेगी। अभी देखो गर्म गर्म आग सेक रहे हैं भाई, दिल्ली का टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन पे डाउन जाए जा रहा है ना, प्रणय ने पूरा स्टॉक इकट्ठा कर रखा है इसलिए लकड़ का। देख लो इसको, पूरा दहेदी गांव वाला बन चुका है, फिर सारा मेरे मुंह पे आ रहा है। मेरे भी हमारा खाना पीना चल रहा है, आलू भी भुन गए क्योंकि बनी मेथी बनी थी और मेथी मैं खाती नहीं हूँ, तो हमने परांठे और आलू की सब्जी बना दी है, साथ में चाय गरम गरम। बहुत ठंड है मेरी, बहुत ठंड है। अभी हम लोग ले रहे हैं पहाड़ों वाली फील, यहाँ पे चल रही है बॉन फायर और यहाँ पे चल रहा है खाना विद चाय। पीछे की मेहनत देखेगी, और ये मेहनत, ये देख लो मेहनती लड़का हमारा, इतनी मेहनत कर रहा है आग जलाने के लिए, देख रहे हो। गाइस फाइनली हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं एंड मैंने हेड वॉश भी कर लिया, इतनी ठंड में हेड वॉश करने में ना बैंड बज गई थी मेरी। और वैसे तो मैंने मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया है, ये रहा मेरा मॉइस्चराइज़र, बहुत अच्छा है यार ये, मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी। और अभी मैं लगा दी लगता हेयर फॉल में ना बैंड ले रखी हूँ, अभी हम लगा लें लिप बाम। डेली रूटीन मेरा फिक्स है, गाइस हमारी लेंसकार्ट की डिलीवरी भी आ गई है, तो इसमें सिर्फ एक ही स्पेक्स आया है, देख लेते हैं पापा का आया है या फिर मेरा आया है, तो अभी इसका उद्घाटन भी करते हैं। वेट अ सेकंड, मैं खोल के बनाती हूँ वीडियो। मैजिक बॉक्स, तो लेंसकार्ट की डिलीवरी कुछ ऐसे होती है, डोमो भी मोर, वाओ ऐसा लग रहा है कि मेरा कोलैबोरेशन का कोई पार्सल आया है। ब्लू कलर के डब्बे में आया, ब्लू कलर बेल के साथ साथ हमें यात्रा का कूपन भी आया है और कुछ ऐसा लेंसकार्ट का 500 का वाउचर भी आया है, जो कि रिडीम तो होता ही नहीं है, मतलब वाउचर मिनिमम परचेज होनी चाहिए 4000 की, तभी एप्लीकेबल होगा, कोई यूज़ नहीं है। अब तो सारे चश्मे बनवा लिए और इसमें भी अप टू 25% है, तो इसका भी कोई यूज़ नहीं है। और बाकी अब इसका देख लेते हैं कि स्पेक्स किसका है, मेरे को मेरा लग रहा है एंड यस ये मेरा स्पेक्स आ गया है ब्लू कलर का। देखो गाइस वी विल लुक गुड टुगेदर एंड ये रहा मेरा न्यू स्केयर स्पेक्स लेंस का टेयर। तो ऐसा लगता था जैसे भंडारा चल रहा है, अभी यहाँ पे 10 बैठे हैं, घर में पता ही नहीं चल रहा कौन कहाँ कहाँ बैठे हैं। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मासी के घर पे एंड यहाँ पे फिर से हम लोग जाने वाले हैं 19 फ्लोर पे, सबसे टॉप पे, सो सिटी रूम। ठंड आधे हाथ पे लगती है बाप, और हम दोनों पलक और मैं सिर्फ बाबू को ही कैप्चर कर रहे हैं। गाइस फिर से मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे अभी सनसेट हो रहा होगा और बहुत प्यारा लग रहा है। वेट फिर से हम लोग गेट खोलेंगे, ओ भाई बड़ा टाइट है, देखो कितना प्यारा सनसेट दिख रहा है 19 फ्लोर से, पूरा सूरज दिख रहा है बाहर से।
एंड ये मेरा फेवरेट रूम जो अभी थोड़ा सा ठंडा पड़ा है, नहा कर आई हूँ ना बिकॉज यहाँ पे लगा हुआ एक मैप, इसलिए मेरा फेवरेट रूम है। एंड यहाँ पे सैयम की स्टडी टेबल एंड सामने किचन कोने में एकदम वहाँ पे बन रहा है खाना, आज का खाना होने वाला है यहाँ पे। गाइस पूजा का ढाबा बन गया है एंड येलो एंड रेड कलर का, साथ में मैंने बहुत सारे वो पहने, मेरे को बड़ा शौक है। और बेसन के पकोड़े रेडी हो रहे हैं यहाँ पे, बस खाना पीना बन रहा है और आलू सब्जी रेडी हो चुकी है, सब कुछ रेडी हो रहा है। गाइस आलू के भी पकोड़े बन रहे हैं और गोभी के भी पकोड़े बन रहे हैं और मिक्स पकोड़े हैं भैया बना रहे हैं, मस्त खाना गरम गरम ठंड में। अभी हम कौन सी मूवी देखने वाले हैं, कोई चलने वाली है या नहीं है? 199 दे दे, ड्रीम चला दूंगा तेरे पास। आई एम ऑलवेज ऑन लो बजट। 199 में तू मनाली घूम आएगी इससे अच्छा। 180 रुपए में अमृतसर जा रही हूँ, बुक कर ले टिकट। मैं अभी कर लूंगी, अच्छा लग रहा है, धूप पड़ रही है भागने ज्यादा। कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है, सक्षम का नाम आधा लिखा है, पूरा लिखा है, इसमें सक्षम आगे के आर नीचे ठाकुर जी की न्यू ड्रेस, और अभी हमने पूरे ड्रेस चेंज कर दिया बिकॉज बहुत ठंड हो रही है, तो इसलिए हमने ऊन वाली ड्रेस बना दी है। तो अभी हमारा खाना तैयार हो रहा है, खीर बनी है और मटर पनीर, तीन जन ना, चार जन स्पून रेडी, तो प्लेट भी रेडी हो गई है हमारी। बहुत ज्यादा नींद आ रही है और मैं दारी सोने बहुत बहुत ठंड हो रही है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 11 पे है एंड बहुत डाउन है, इतनी ठंडी वाली ऐसे लग रहा है सारी बर्फ यहीं पे गिर रही है दिल्ली में। गुड नाइट गाइस, अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं एंड चैनल अपडेट है कि एक सब्सक्राइबर और बढ़ गया है, 1029 हो गया है। एंड मैंने एक न्यू वीडियो भी अपलोड करी थी कि बहुत थक गया है, उस पर भी अच्छे खासा वॉच टाइम और व्यूज़ आ गए हैं, सो वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। बाय बाय एंड गुड नाइट। फाइनली मैं सोने जा रही हूँ, बहुत नींद आ रही है।